नमस्कार, एस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने आज अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है। शहर के एक मैरिज हॉल में छिपाकर रखी गई अवैध शराब की 335 पेटी बरामद की है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदन नगर कॉलोनी में स्थित मैरिज हॉल पर छापा मारकर शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर मैरिज हॉल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके पर दो कारें भी बरामद की हैं, जिसमें अवैध शराब लाद कर लाई गई थी। बरामद शराब हरियाणा निर्मित बताई जा रही है, जिसे तस्करी कर लाया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। एस न्यूज गाजीपुर। जनपद गाजीपुर में अपराधियों और अपराध तथा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार चल रहा है। इसी अभियान के दौरान आज रात्रि में श्री रविंद्र भूषण मौर्य प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और श्री विश्वनाथ प्रभारी निरीक्षक क्राइम ब्रांच को एक अच्छी सफलता मिली। मुखबिरों की सूचना पर उनको ज्ञात हुआ कि किरणपुरी चंदन नगर में कोई आनंद प्रकाश का मैरिज हॉल है, वहाँ काफ़ी मात्रा में अवैध शराब है और उसका जो है परिवहन छोटी छोटी गाड़ियों से होता रहता है। इस सूचना पर इन्होंने वहाँ संयुक्त टीम से छापा मारा और भारी मात्रा में शराब बरामद किया है, जिसमें 335 पेटी यानी 16,080 सीसी दारू पकड़ी गई है। एक व्यक्ति के साथ में गिरफ्तारी हुई है। ये सूर्य प्रकाश उर्फ लाले और चंद्र प्रकाश यादव निवासी महाजन टोली थाना कोतवाली का रहने वाला है। इसके अलावा दो लोग नामजद हुए हैं और जो है दो व्यक्ति अज्ञात हैं जो भागे हुए हैं। इनकी शीघ्र हम गिरफ्तारी करेंगे और इस शराब का स्रोत का पता करेंगे। उसके साथ साथ इन पर ठोस वैधानिक कार्रवाई करेंगे। संभव शीघ्र इन पर गंगस्टर जैसी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस तरह की बात आई है कि इसको छोटी छोटी गाड़ियों में परिवहन किया जा रहा था। हो सकता है कि ये बिहार तक पहुँचता हो। अब ये सब योजना का पार्ट है, योजना में हम सब क्लियर करेंगे।